Samsung Galaxy S21 Ultra लॉन्च हुआ 14 जनवरी को 2021, जिसका लाइव स्ट्रीम मेरे फेसबुक पे है, मतलब हमारे फेसबुक पे। अब स्क्रीन की बात करें तो वहाँ पे 6.8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, वहीं पे आपको रेजोल्यूशन 1440 का पी मिल जाता है, और वहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो 515 पिक्सल पर इंच है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और प्रोसेसर पे आते हैं, जो कि मेन इसका कैच है, वहाँ पे हम लोगों को एक्सिनॉस का 2100 प्रोसेसर दिया गया है, वो भी 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर का। उसके बाद उसका 3 कोर और है जिसको क्लॉक किया गया 2.8 गीगाहर्ट्ज पे, एंड 4 कोर जिसको क्लॉक किया 2.2 गीगाहर्ट्ज पे, और एक आखिरी क्लॉक जिसको 2.9 गीगाहर्ट्ज पे किया गया है, जो कि 12 GB ऑफ रैम के साथ आता है। अब वहाँ पे एंड्रॉयड 10 भी मिलेगा, पावरफुल बैटरी मिलेगा, एंड उसके साथ आपको वायरलेस सपोर्ट चार्जिंग मिलेगा, फास्ट चार्जिंग मिलेगा। फ्रंट कैमरा की 40 मेगापिक्सल, एंड बैक कैमरा में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, एंड 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 10 मेगापिक्सल का जूम, एंड 10 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। तो टोटल 4 कैमरा आपको मिलेगा, एंड हर दो भाई कैमरा, बट दे आर ऑल गुड। एंड 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें कैमरा ही सबसे है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव चीज है, ये उसके फीचर्स हैं, एंड जो इसमें फंक्शंस दिए गए हैं वो बाकी सब फोन में नहीं दिए गए हैं। लाइक अगर आप बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको ये उसमें से थंबनेल्स भी क्लिक करके देता है, जिसमें से आप एक फोटो पिक कर सकते हैं 8K रेजोल्यूशन वाला फोटो। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपने अगर लाइव इवेंट नहीं देखा तो वो सी मेरा हमारे फेसबुक पे है, लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाके देखो, आपको पूरा फीचर्स इन डिटेल समझ में आएगा कि ये वीडियो एंड ये कैमरा एंड ये बाकी सब मीडिया वाली चीज इसमें इतना फोकस क्यों दिया गया। साथ अगर हम लोग बात करें रैम का, तो इसमें 12 GB का रैम दिया गया है, एंड रोम 128 GB दिया गया है, और आगे भी अलग अलग वेरियंट है 256 GB, 512 GB। अब वो देखते हैं, फिलहाल तो 256 GB तक ही अनाउंस किया गया है, अब आगे का मुझे पता नहीं। तो बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, क्योंकि हाँ इतना हैवी फोन है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए पावरफुल बैटरी चाहिए ही होगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, इसमें प्लस UI3 है शायद सैमसंग का, इसमें और भी सारे फीचर्स दिए गए हैं, विच इज क्वाइट कूल, क्योंकि वो कैमरा की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो अगर सेंसर की बात करें तो इसमें आपको फेस अनलॉक दिया गया है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, कंपस और मैग्नोमीटर का यूज होता है वो दिया गया है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है, एक्सेलरोमीटर दिया गया है, अपना साइकिल भी चल रहे हैं उसमें, अपना स्पीड देख सकते हैं, बहुत कूल लगता है मेरे को, बचपन में सब करता है, वैसे फोन में नहीं, वो डिवाइस आता है साइकिल पे लगा, तो वो दिया गया है। एम्बिएंट लाइट सेंसर दिया गया है, जो कि कैमरा में यूज होता है, विच इज लाइक अगर आप अपने नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हैं तो वो एक रे और लेजर छोड़ता है, मतलब रिलीज करता है। सो आगे आपको गायरोस्कोप दिया गया है एंड बैरोमीटर दिया गया है, इस सेंसर का पूरा अच्छा हिटा। स्क्रीन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उसका पिक्सल्स, अभी कैमरा में क्या किया है, यहाँ पे 1 पिक्सल के जगह यहाँ पे 4 पिक्सल और डाल दिया गया है, जो खाली स्पेसेस होते हैं जिसे नॉइस कहते हैं हम लोग, वहां पे भी एक्स्ट्रा पिक्सल डालने को मतलब इम्प्रूव किया गया है। लाइक समथिंग लाइक अगर हमें फोटो खींचते हैं रात के टाइम पे, एंड वो गेनी ज्यादा लाइक नॉइज आता है, वो खाली स्पॉट्स होते हैं जो पिक्सल फिल नहीं कर पाते, बट इसका AI इतना अच्छा है कि वो
मतलब सोचता है उस चीज को एंड वहाँ पे समझता है कि वहाँ पे कौन सा कलर और कौन सा पिक्सल वहाँ पे होना चाहिए. सो दैट्स द खूबी एंड ऑफ दिस सैमसंग. अभी रैम की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है ना कि प्रोसेसर बहुत सही है. Exynos का 2100 जो प्रोसेसर है दैट्स क्वाइट गुड. तो ये था पूरा समरी Samsung S21 का एंड पूरा ओवरऑल खाता कि क्या है क्या नहीं है. बट मैं पर्सनली कहूँगा कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी गो फॉर इट. बट द थिंग इज दैट कि दिस इज नॉट वेरी बजट फ्रेंडली. प्लस अगर आपको मन है जाके देखने का तो देखने का मतलब खरीद तो सकते नहीं है. ब्राउजिंग ही कर लो तो अमेजोन पे ये अवेलेबल है. अमेजोन पे क्लिक करो वहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन आ जाएगा. तो जाओ फोटो स्लाइड करो और देखो मन की इच्छा कम से कम थोड़ी सी कम होगी. फिलहाल तब तक के लिए इतना ही है. ये सारे की स्पेक्स थे स्मार्टफोन के. मैं यहाँ पे पूरा फंक्शंस के बारे में बात नहीं करूँ क्योंकि अगर उसके अंदर जाने लगा तो मुझे फोन हाथ में चाहिए होगा. एंड अदर थिंग इज दैट कि क्या फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं क्या फ्लॉज है क्या अच्छे बात है वो मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही बताऊँगा क्योंकि अभी 2 दिन हुआ है फ़ोन लॉन्च हुए हुए एंड इतना सारा जानकारी अभी इकट्ठा करना मुश्किल होगा. सो सब्सक्राइब करो काफ़ी कुछ बताऊँगा फ़ोन के बारे में आगे के बारे में भी. लाइव इवेंट्स हमारा फेसबुक पे होते रहता है. गो फॉलो अस ऑन फेसबुक यू विल बी गेटिंग एक्साइटिंग इवेंट्स. सो तब तक के लिए पीस आउट.